नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट के क्रैश होने का मामला सामने आया है। आज शाम 5:06 पर मुंबई एयरपोर्ट पर एक विमान रनवे पार करके कच्चे क्षेत्र में उतर गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर यह हादसा रनवे 27 पर हुआ बताया जा रहा है। चार्टर विमान विजाग से आया था और मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर रहा था। घटना के बाद मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस और हवाई अड्डे की बचाव और राहत टीम मौके पर पहुंच गई है। तेज बारिश के चलते विमान का संतुलन बिगड़ा और यह रनवे से फिसल गया। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान विमान में आग भी लगी थी। तुरंत ही फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग बुझाई। विमान में 6 यात्री और 2 क्रू मेंबर्स के सवार होने की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि इनमें से 3 यात्री घायल हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेज दिया है। दरअसल विशाखापत्तनम से मुंबई पहुंचने वाला विमान VSR वेंचर्स लियर जेट 45 विमान मुंबई हवाई अड्डे पर हादसे का शिकार हुआ है। रनवे 27 पर उतरते समय ऐसा हुआ है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई है। हादसे में घायल हुए लोगों को तत्काल अस्पताल भेज दिया है। इनमें से 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक विमान VT DBL के क्रैश होते ही मुंबई एयरपोर्ट पर विमानों का आवागमन रोका गया। फिलहाल सभी विमानों की लैंडिंग टेक ऑफ रोक गई है। रनवे क्लियर करने के लिए कार्य किया जा रहा है, साथ ही राहत बचाव में एजेंसियां जुटी हुई है। बताया जाता है कि यह विमान रनवे से आगे बढ़कर कच्चे क्षेत्र में उतर गया है। इस हादसे के चलते मुंबई एयरपोर्ट का रनवे हुआ बाधित, जिसे दोस्तों सही किया जा रहा है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, विमान में सवार सभी लोगों को मेडिकल हेल्प के लिए पहुंचा दिया है। यह लियर जेट श्रेणी का विमान था जो बारिश की वजह से प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई से, जहां विमान 2 टुकड़ों में बट गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जिसके बाद यात्रियों में भी हड़कंप मचा है। यात्री अस्पताल में भर्ती है।